हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर एच के भलंग। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की फर्स्ट एंड बेस्ट मेजिकल रेमेडी एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नेपेलस इज अ नॉन एज फॉर रैपिड एक्शन पॉइजनिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज इन इनिशियल फेज ऑफ एनी डिसीज। एकोनाइट, व्हाट इज द थीम बिहाइंड एकोनाइट? टेंशन इज द मोस्ट नॉन थीम बिहाइंड द एकोनाइट, एंड एकोनाइट इज द वन ऑफ द मोस्ट क्लार्क एबीसी नर्सरी। व्हाई क्लार्क सेज माई एबीसी नर्सरी? एबीसी मीन्स एकोनाइट, बेलाडोना एंड केमोमिला। दीज थ्री मेडिसिन्स, एकोनाइट, बेलाडोना, केमोमिला, मीन्स ये क्या उथल पुथल कर देती है। अब कहाँ कहाँ उथल पुथल करती है, ये मेन चीज है। एकोनाइट कहाँ करती है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हार्ट से संबंधित सिस्टम है, वहाँ अगर उथल पुथल होए और अगर एकोनाइट को दिया जाए तो वहीं उथल पुथल होती है। मतलब सर्कुलेशन का बिल्कुल क्या बोलते हैं, वायलेंट एंड सडनली तूफान आ जाता है सर्कुलेशन में। बेलाडोना, टर्मोनाइलिन, ब्रेन मीन्स ब्रेन में कुछ उथल पुथल चल जाता, उथल पुथल हो जाता है, कुछ तूफान सा, सर दर्द हो जाना था, हेडेक हो जाना, इस तरह से जो सिम्टम्स आते हैं वो बेलाडोना के। केमोमिला, केमोमिला जो है टेम्परामेंट में, जो आदमी का स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसमें अगर उथल उथल पुथल हो जाए वो पाया जाता है केमोमिला में। सो ये तीनों है, एकोनाइट, बेलाडोना, केमोमिला इस क्लार्क एबीसी नर्सरी। हम एकोनाइट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो आजकल जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो गतिहीन लाइफ स्टाइल है, जो ऑफिस वर्क है, बैठे बैठे काम करा, बैठे बैठे ऑर्डर दिया कि भैया ये लाना वो लाना, इधर की फाइल साइन करके उधर गए, उधर की फाइल ना, उसकी वजह से जो भी बीमारियाँ होती है वो बीमारियों के एक्यूट केस को ठीक करने के लिए हम एकोनाइट दी जाती है। बीमारियों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मोडालिटी की बात करते हैं हम, कि मोडालिटी में दो चीज आती है, एग्रावेशन, वर्स ऑफ द कंडीशन, एमेल्योरेशन, बेटर बाय एप्लीकेशंस। एग्रावेशन किन चीज़ों से होता है? तो एकोनाइट के केस में देखा जाता है कि जो नाइट टाइम है, इवनिंग का टाइम है, उसमें मोस्ट एग्रावेशन होता है, वर्स कंडीशंस हो जाती है। एमिलियोरेशन कैसा था? ओपन एयर में आदमी को एमिलियोरेट फील होती है, सिम्टम्स में कमी महसूस होती है। सो एकोनाइट की गाइडिंग सिम्टम्स हम देखते हैं कि सबसे जो पहला है इसका टेंशन, मतलब मैंने बताया था आपको फर्स्ट में कि इसकी थीम भी एकोनाइट की जो होती है वो है टेंशन। टेंशन, तनाव, हर चीज में टेंशन भरा रहता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तनाव सा रहता है मन में, खिंचाव सा रहता है। अच्छा, यही ऐसा ही टेंशन एक बेलाडोना में होता है, लेकिन वो कंजेशन के रूप में होता है। दोनों मेडिसिन नॉन सेम कैरेक्टरिस्टिक इसके गुण रहते हैं, लेकिन बेलाडोना में कंजेशन की वजह से कोई तकलीफ होती है और एकोनाइट में टेंशन होता है। टेंशन हर कौन सी भी बीमारी ले लो आप, ये टेंशन आपको दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा इसका गाइडिंग सिम्टम्स से देखते हैं कि एकोनाइट कहाँ यूज़ करनी चाहिए, एकोनाइट कहाँ यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में कहते हैं। कोई सी भी डिसीज़ हो उसके एक्यूट केस में एकोनाइट को यूज़ करते हैं, और एक्यूट केस मतलब डिसीज़ कैसी हो, जो सडनली और वायलेंटली हो, मतलब एकदम से आए, तूफान कैसा आता है, भर भराता आता है और बिल्कुल सब तहस नहस करके भर भराता चला जाता है, दिस इज द एकोनाइट। ऐसे ही सडनली एंड वायलेंटली अगर इस तरह की डिसीज हो और उसके एक्यूट केस में आप एकोनाइट यूज करें, अगर केस क्रोनिक हो गया है तो फिर एकोनाइट इतना महत्व नहीं रखता है। अच्छा, एकोनाइट का क्रोनिक सल्फर, कुछ सिम्टम्स एक ऐसे होते हैं जिसको हमने एकोनाइट दे दिया और ठीक हो गया, कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं या फिर कुछ रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन केस में हम इसका क्रोनिक जो है सल्फर, उससे बाकी बचे हुए सिम्टम्स को ठीक करते हैं। फॉर द गाइडिंग सिम्टम्स, देयर इज अ ग्रेट फियर एंड एंजाइटी इन माइंड। फियर, एक डर बना रहता है, एंजाइटी, चिंता बनी रहती है, एक सोच बनी रहती है,
ये माइंड सिस्टम में, माइंड सिम्टम्स में आपको दिखेंगे, फियर एंड एंजाइटी। अगर किसी भी डिसीज का प्रारंभ फियर की वजह से हुआ है, कोई एंजाइटी की वजह से हुआ है, एक्यूट केस में आप एकोनाइट दीजिए, आंख बंद कर दीजिए, वो डिसीज ठीक होगी ही होगी, वो चाहे डिसीज कौन सी भी। मैं आ गया आप बताता हूँ कौन कौन सी डिसीज में अधिकतर काम करती है, कहाँ कहाँ से फियर एंजाइटी की वजह से डिसीज पैदा हो सकती है। अच्छा एक और चीज, कोल्ड ड्राई कोल्ड एयर की वजह से भी कोई डिसीज अगर आई है, कोई सिम्टम्स आए और उसमें भी आप आँख मिच के एकोनाइट दीजिए। एकोनाइट एक्यूट केस में काम करती है, लो डोज में काम करती है, शॉर्ट टर्म में काम करती है, थोड़े थोड़े समय पे रिपीट करने की ज़रूरत है, लॉन्ग केस में नहीं दी जा सकती, क्रोनिक केस में नहीं दी जा सकती। पांचवा, गाइडिंग सिम्टम्स फियर डर फ्राइट भय, फियर एंड फ्राइट मीन्स एकोनाइट के पेशेंट को हमेशा फियर एंड फ्राइट डर और भय बना रहता है। कैसा डर और भय? अगर एकोनाइट का पेशेंट रोड क्रॉस करता है तो उसे डर लगा रहता है। आप सोचोगे कि डर को तो सभी को लगा रहता है, लेकिन स्पेशली केस में एकोनाइट का पेशेंट दूर से ही आती हुई बस से डरता है, दूर से ही आते हुए वाहन से डरता है, लेकिन हम अधिकतर दूर के आते वाहन के पास आते हैं तो डरते हैं। दिस इज द फियर एंड फ्राइट ऑफ एकोनाइट केसेस। भीड़ में जाने से बचता है, उसे ऐसा कुछ लगता है कुछ हो नहीं जाए मेरे साथ में, एक तनाव टेंशन बना रहता है, एक डर बना रहता है, एक फ्राइट भय बना रहता है। ये तीनों चीजें चलती है, हर डिसीज में चलेगी। प्रथम प्रसूति काल में भी अगर लेडीज को डर बना रहता है कि मैं इतने बड़े बच्चे को कैसे डिलीवरी होगी मेरी, कैसे निकलेगा बाहर, अगर इस तरह का उसके मन में डर बैठ गया है, इस डर की भी बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट। अच्छा एक स्पेशल केस है, कभी कभी कोई नवजात बच्चा डिलीवरी हुआ है और उसको अगर पेशाब नहीं आ रहा है, उस केस में भी एकोनाइट बहुत अच्छा काम करता है। क्यों काम करता है, इसके पीछे रीजन क्या है? उस नवजात बच्चे को अभी तक 9 महीने तक वो माँ के गर्भ में रहता है और रिसेंटली उसके उस दुनिया से इस दुनिया का सामना करने रहता है, और जब ये आता है, जब ये प्रोसीजर होती है, तब उसके मन में एक डर बैठ जाता है और उसी डर की वजह से उसका पेशाब रुक जाता है। इस केस में एकोनाइट की एक बूंद वन ड्रॉप बहुत अच्छा काम करती है, रिपीटेशन कर सकते हो 2 से 3 हर 15-15 मिनट में। भाई से ही किसी रोग का प्रारंभ हुआ हो उसमें एकोनाइट बहुत अच्छा, वो रोग चाहे कौन सा भी हो। अच्छा ये अधिकतर केसों में देखा जाता है वुमेन और बच्चे, ये दोनों डर से भय से कई बीमारियां इनमें पैदा होती है। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन डर जाती है, कुछ बच्चों को, कुछ को जैसे अंधेरे में गए एकदम से उन्हें ऐसा लगा अरे कोई भूत तो नहीं है और डर गए और उनको बुखार आ जाता है, ये कई बार देखा है हमने। ऐसे केस में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है, आप देखे बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में, लेडीज में अधिकतर ऐसे केस आते हैं, अधिकतर ऐसे सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स है, जो एकोनाइट का पेशेंट है वो प्रिडिक्शन ऑफ डेथ, मतलब अपने मरने की निश्चित तारीख बताता है, मैं उस दिन फलाने दिन निपट जाऊंगा, टपक जाऊंगा। ऐसी ही तारीख आर्सेनिक का पेशेंट भी बताता है, प्रिडिक्शन ऑफ डेथ, मरने की अपनी तारीख बताता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? एकोनाइट का पेशेंट बोलता है कि भैया आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा नहीं हो कि कहीं देर हो जाए मेरी बीमारी को ठीक करने में और मैं निपट जाऊं। लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर को बुलाने का कोई मतलब नहीं है, मेरी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेगी, आप फालतू में पैसे खर्च करोगे, डॉक्टर को बुलाने का क्या काम, ये बोलता है आर्सेनिक का। ये अंतर है दोनों में, जो फियर ऑफ डेथ है प्रिडिक्शन द टाइम ऑफ डेथ, एकोनाइट का प्रिडिक्शन टाइम ऑफ डेथ और आर्सेनिक का प्रिडिक्शन टाइम ऑफ डेथ, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ? एकोनाइट का पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर को आप बुलाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी बीमारी ठीक होने में लेट हो जाए, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट क्या कहता है, डॉक्टर को बुलाने का कोई मतलब नहीं है, मेरी बीमारी अनट्रीटेबल है, अब ये ठीक नहीं होने वाली, मेरे को इसके साथ ही जाना है। लेकिन दोनों कंडीशन में, दोनों केस में, एकोनाइट के और आर्सेनिक के केस में पेशेंट अपनी तारीख बता देता है कि मैं इस तारीख को निकल जाऊंगा। अगर आपके क्लिनिक पे सर कोई पेशेंट आए जो अपनी तारीख बताता है, टाइम, डेथ का टाइम बताता है,
आप एको नाइट आँख मीच के दीजिए, देखो कैसे ठीक होता है। नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स है, एकोनाइट इज द ग्रेटेस्ट पेन रिमेडी भाई। अच्छा एक और चीज, डॉक्टर नाश ने अपने ट्रायोज में बताया है, ट्रायोज मतलब तीन बेस्ट रिमेडीज, काई की थ्री बेस्ट रिमेडी ऑफ पेन, एकोनाइट, केमोमिला और काफिया। एकोनाइट, केमोमिला, काफिया थ्री आर द बेस्ट ट्रायोज पेन रिमेडी ऑफ डॉक्टर नाश। पेन से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर नाश ने एक ट्रायोज, डॉक्टर नाश गिवन ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस, एकोनाइट इज द वन ऑफ द बेस्ट रेस्टलेसनेस मेडिसिन, एंड व्हाट व्हिच इज द थ्री रिमेडीज, एकोनाइट, आर्सेनिक, रेस्टोक्स, दीज आर द थ्री बेस्ट ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस। अच्छा इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो एकोनाइट का पेशेंट फिजिकली स्ट्रांग रहता है, उसकी जो रेस्टलेसनेस है वो फिजिकली रहती है, मींस वो एक प्लेस पे एक जगह रह नहीं सकता, वो मूव करेगा, इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, ये रेस्टलेस, इस तरह की रेस्टलेसनेस पाई जाती है। आर्सेनिक में क्या डिफरेंस है, आर्सेनिक में आदमी फिजिकली वीक रहता है लेकिन मेंटली रेस्टलेसनेस पाई जाती है, आदमी यह सोचेगा कभी ये बात करेगा, कभी इस चैप्टर से उस चैप्टर पर आ जाएगा, उसमें मतलब आपको दिखेगा कि आदमी तुरंत बदलता है, उसको बिल्कुल चेन ही नहीं पड़ता, वो बात करता ही जाता है, इधर की बात करेगा उधर की, ये रेस्टलेसनेस पाई जाती है। रेस्टोक्स में भी आदमी फिजिकली रेस्टलेस पाई जाती है, फिजिकली एक जगह पे स्थिर नहीं होगा, वो इधर से उधर घूमता रहेगा, और इसीलिए कहा गया है जो रेस्टोक्स का गाइडिंग सिम्टम्स बोल लो, उसका की नोट बोल लो, कि मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर रिलीव्ड बाय मूवमेंट, मोशन, और एग्रावेटेड बाय रेस्ट, मतलब आदमी अगर सोता रहेगा, आराम करेगा, कुर्सी में बैठेगा तो उसे दर्द होगा, उसको चैन नहीं पड़ेगा, वो सोएगा उसे चैन नहीं पड़ेगा, उठ के थोड़ा सा चलना फिरना, सोएगा पेट में दुख रहा, उठने के चलने लगेगा, हाँ थोड़ा सा आराम लगेगा। कभी कभी मैंने अधिकतर केसों में देखा है कि घुटनों में लेटे हैं डॉक्टर साहब, दर्द करते रहते हैं लेकिन थोड़ा सा चलता हूँ तो अच्छा महसूस होता है, ये रेस्टोक्स का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, यही पकड़ लो आप, और इसी को आपने पकड़ लिया आप बेस्ट ट्रीटमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स, एकोनाइट इज द ग्रेटेस्ट पेन रिमेडी, डॉक्टर नाश गेव हिम ट्रायोस ऑफ पेन, एकोनाइट, केमोमिला, कॉफिया, दीज आर द थ्री बेस्ट पेन रिमेडी। तो एकोनाइट का पेन कैसा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस, एकोनाइट के पेन में नंबनेस आ जाती है, जहाँ का भी पेन हुआ, सिर दर्द हुआ, नंबनेस पाई जाएगी, मतलब इसके पेन के साथ में नंबनेस पाई जाती है, संज्ञाहीनता पाई जाती है, शून्यता पाई जाती है, वहाँ पे आप असर नहीं होता। और क्या खासियत है एकोनाइट के पेन में, एकोनाइट के पेन में मैं आपको बताता हूँ इसका डिफरेंशिएट करने का, एकोनाइट का जो पेशेंट है वो चीखे मारता है, सहन नहीं होता उससे पेन, चीखे मारता है, और अगर रात पड़ती है, रात होती है, नाइट में, इवनिंग में, वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, उसको दर्द और बढ़ जाता है, एग्रावेशन हो जाता है नाइट में, अनबियरेबल पेन होता है। ये डिफरेंस है केमोमिला, कॉफिया, अदर देन एकोनाइट।